अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अलमास ब्लॉग। कैसे आप? अभी मैं पी रही हूँ चाय। आज मैं सुबह गई थी अलीना का हॉल टिकट लेने के लिए। 10th में है, देखो ये साल 10th कैसा रहता है लॉकडाउन में, कुछ बताया ही नहीं, मगर हॉल टिकट अभी दिए हैं फ़िलहाल तो। और कैसे आप सब? आज मैं खाना बनाऊँगी गोश्त का सालन राइस, आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। और अब मेरा चाय पीने का टाइम हुआ, चलो आप भी चाय पियो। और आप सबको मेरी तरफ से आज जुम्मा मुबारक, दुआ में याद रखना। देखो गाइस, मेरा गोश्त रेडी है और यह मैंने राइस बगा लूँगी, बाद में सालन बनाऊँगी। ओके, मैं ये गोश्त मंगा के रखी थी, फ्रोजन था, इसे अभी मैं निकाली थी तो इसका बर्फ़ निकल गई, बट क्लीन हो गया, ला के रख देती हूँ, अच्छा पड़ता है मुझे। बाहर का मेरा 3 महीना इसलिए मैं जा नहीं सकती, मैं फ्रोजन इस्तेमाल कर ला के रख देती हूँ, तो 1-2 किलो के काम आता है, चिकन फिश जो भी है मैं ला के रख देती हूँ। बगैर चावल वॉश करके रखे हुए हैं। Thank you.
ऐसा लग रहा है। अच्छे से भुनने देने का, जैसे आप अपने पीस के डाले ना, उसको अच्छे से भुनने देने का, ये अच्छे से भुने जाएगा तो इतना अच्छा टेस्ट आएगा। अभी मैं इस पर लीड लगा दूँगी, ठीक है। मेरा हो गया सारा रेडी। हाय गाइस, देखो अभी रात का वक्त हो रहा है, रात के बज रहे हैं 8:20 हाँ। देखो मेरा किचन है क्लीन, डिनर टाइम हो रहा है, अभी सुबह खाना बन है रेडी है और मेरी रोटी भी रेडी है। मैं रोटी बनाती नहीं है, देखो रोटी भी है, मैं बना लेती हूँ जल्दी, 5-6 बजे तक बन जाती है रोटी। देखो एक्चुअली रोटी मैं नहीं बनाती हूँ, मेरे रोटी बनाने के लिए भी काम वाली है, वो आती है और बनाती है, 6:30-5 बजे तक आती है और बनाती है। और सालन वगैरह भी तो है, ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे बर्तन थोड़े हैं वॉश करने के लिए, मेरा किचन क्लीन है और अभी डिनर की तैयारी है। और ये ब्लॉग को, आज के ब्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें प्लीज़। और चलो फिर अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट डे मिलेंगे इंशाल्लाह, बाय, अल्लाह हाफिज़।